हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और जहां कहीं भी होंगे तो भले चंगे से होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और ये वाला वीडियो संडे के दिन का है, मॉर्निंग का टाइम है। तो खाना बन गया है, घर का काम तो नहीं हुआ है क्लीनिंग का, क्योंकि मैं सबको खिला दी थी, खाना खिला दी। और हस्बैंड जी और सूरज मतलब मेरा भाई, वो दोनों गए ड्यूटी और मैं लगी हूँ बालों में सबको ले करके, मतलब तेल लगाने। ये लोग ना तेल लगवाने में बहुत नखरा करते हैं, बाल में तेल नहीं लगवाते हैं, ना तो दिव्यांशु और ना दीपिका। राधिका तो लगवा लेती है, राधिका को तो जब मैं बोलूँगी तब लगवा लेती है, मगर दिव्यांशु और दीपिका तो हद ही कर देती है। वो तो सबसे ज़्यादा नखरा करती है, आगे देखिएगा आप लोगों कैसे कैसे नौटंकी करेगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट सारे बच्चों के बालों में मतलब तेल लगा दे रही हूँ और ये लोग जब तक तेल लगा दूंगी मैं भी अपने बाल में लगा लूंगी और जब तक घर का सारा काम खत्म होगा एक दो घंटा छोड़ करके फिर ये लोग नहा लेंगे। दीपिका और दिव्यांशु को तो मुझे नहवाना पड़ेगा, देखूंगी नहवाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मेरा भी अभी थोड़ा वैसे ही चल रहा है। और यहाँ पे अभी मैं अपने बाल में लगाऊंगी, उसके बाद अभी राधिका को लगा रही हूँ और मैं पहले ही लगाई क्योंकि तेल लगाने के बाद तब उसके बाद घर का जो है वो सारा काम करूंगी। और संडे के दिन तो चाहे उससे पहले कितना भी कर लीजिए मगर फिर भी संडे को ना काम ज़्यादा ही हो जाता है। और अभी मुझे बच्चों का स्कूल का यूनिफॉर्म भी धोने हैं, बैग धोने हैं इन लोगों का, तो इसीलिए मैं ये लोग ना खाना खा लिए हैं, मतलब मैं बनाई थी सुबह के टाइम में सब्जी और सूरन की सब्जी मतलब ओल की सब्जी, तो ये लोग गरम गरम ही रोटी और सब्जी में इन लोगों को डांटी तो ये लोग खा लिए हैं। मैं नहीं खाई हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ खाने का, मेरा मन था कि बस मतलब खाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं सोची सारा काम करके खाऊंगी तो सारा काम ख़त्म करने में बच गया था 12:30, तो मुझे खाना खाते खाते 1 बज गया, तो मतलब 1 बजे तक मैं भूखे रह गई, भूखी नहीं लग रहा था। और यहाँ दीपिका तेल लगवाने में बहुत ज़्यादा नखरा कर रही थी, मुझे ना इस पर गुस्सा आता है मगर मैं मारती नहीं हूँ, मतलब मारने में अच्छा नहीं लगता है, बच्चे हैं क्या मारूँ, मतलब अजीब जैसा ही लगता है, मगर ये बहुत ज़्यादा नखरा दिखाती है तेल के नाम पर। तेल लगवाती नहीं और फिर बोलेगी मम्मी मेरा बाल जो है ना भूरा भूरा हो रहा है, लाल हो रहा है, तेल नहीं लगाने से तो होएगा ही और झड़ भी रहा है। और यहाँ तेल लगा करके चूड़ा बांध रही हूँ और उसके बाद तेल लगा देती हूँ, उसके बाद भी ये फर्श पे काफ़ी देर तक लेटे रहती है, नौटंकी करते रहती है। और गैस जो लोग भी चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, बहुत उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और पूरा वीडियो वॉच किया कीजिए। जो भी इस तरीके का रूटीन ब्लॉग देखना पसंद करते हैं उन लोगों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा, मैं तो डर गई थी जब सुनी ना, तो मैं डर गई थी कि क्या होने वाला है, मुझे अचानक पता चला, पहले से पता नहीं था मुझे कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए आगे बताती हूँ क्या हुआ था, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहीं पे। और ये जो बड़ा वाला टेडी आप देख रहे हैं ना पीछे राधिका लेकर के बैठी, इसको मैं 2-3 बार सिल दी हूँ, फिर भी कई जगह से ना इसका कॉटन जो है रुई जो है वो निकल रहा है, बहुत ज़्यादा फट रहा है, तो मुझे ना गुस्सा आ रहा है। मैं सोच रही हूँ उसको इसका सारा रुई निकाल करके मैं भर कर रख दूँगी, एक बोरी में रुई रखी हूँ उसी में तकिया ओके बना दूँगी। टेडी वेडी भाड़ में गया, कभी इधर से कभी उधर से रुई निकलते ही रहता है और कितना इसको डेली सिलते रहूँ इधर उधर, इतना टाइम कहाँ मिलता है, जो ज़रूरी का काम है वो तो हो ही नहीं पाता। और ये मतलब, और अभी देखिए राधिका वो दीपिका का नौटंकी चल रहा है और हम लोग तीनों इसको मनाने में लगे हैं, तो फिर मैं इसको छोड़ देती कि जा जितना गुस्सा होना है ना होते रहे, जितना मनाऊंगी उतना ही और ये नौटंकी करेगी, तो अभी इसके ऊपर मैं सारा रख दूंगी। अभी मैं जा रही हूँ अपना काम करने और एक ना छोटा सा कीड़ा चल रहा था जो चावल और गेहूं वगैरह में नहीं हो जाता, कीरी बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, कीरी सूढ़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, वही चल रहा था, तो वही मैं बोल रही थी जा दीपिका के तरफ जा और दीपिका को काट ले, तो और ज़्यादा वो फिर रोने लगी थी, तो मैं छोड़ देती जा भाई जो नौटंकी करना है कर ले। और यहाँ पे मैं राधिका दिव्यांशु सब लोग मिल करके लगे हुए हैं बिस्तर सेट करने में। कभी कभी क्या होता है ना मेरे यहाँ, अगर मैं थोड़ा सा गुस्सा होकर के बोल देती हूँ ना कि काम नहीं कर रहा, तो फिर तीनों लग जाते हैं और वो बस थोड़े देर के लिए ही लगते हैं और फिर उसके बाद अपना ये लोग लग जाते हैं खेलने में। मैं सुबह के टाइम ही बोली थी कि मिल करके और तीनों मिल करके काम करवाना, मगर राधिका तो वो दीपिका अपना नौटंकी दिखाने लगी नखड़ा और राधिका भी थोड़ा सा करवाई थी और दिव्यांशु तो अभी खैर छोटा है, सबसे छोटा है वो। और यहाँ मैं अभी सबको बोल रही हूँ कि अपना अपना जिसका जिसका भी मतलब सब अपना स्कूल ड्रेस जो है वो निकाल करके दो और बैग खाली करके दे दो, ताकि मैं भिगो दूँ सरफ़ वाला पानी में, क्या होता है ना अच्छे से थोड़ा भीग जाता है 10-15 मिनट के लिए, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है।
और संडे के दिन ही मैं धोई थी। कभी कभी क्या करती हूँ, शनिवार के दिन भी धुल देती हूँ टाइम रहता है तो, मगर इस बार शनिवार के दिन नहीं धुल पाई थी। पता ना अचानक एकदम ना दिमाग से ही निकल गया कि मुझे बच्चों का ड्रेस और बैग धोना था, मगर सुबह के टाइम संडे के दिन यहाँ खूब अच्छी तगड़ी वाली धूप निकली हुई थी तो इसीलिए मैं सबसे पहले बैग ही झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद बैग ये सब भिगो दी थी कि सूख जाएगा। और ये ना बैग ये सब तुरंत ही सूख गया था, 2 से 3 घंटे में आराम से सूख गए थे। धूप ही इतना केड़ा वाला धूप निकला हुआ था, बहुत तगड़ा धूप था। और अभी मैं सारा घर क्लीन करूँगी और अब झाड़ू लगा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ, मतलब बाहर बाहर से तो डेली झाड़ू लगा लेती हूँ, मैं बहुत कम ही ऐसे कर पाती हूँ कि अंदर से घुस करके झाड़ू लगाना। तो इधर तो बेड के नीचे तो हाथ घुसा करके और झाड़ू से ही झाड़ू लगाती हूँ, मगर तख्त के नीचे पता है क्या है, मेरा बेड सिंगल है और उसमें पूरा भरा हुआ है, जगह नहीं है सामान रखने के लिए। तो और भी काफ़ी सारा जो कपड़े वगैरह हैं, जैसे कि पुराने पुराने जैसे हो जाते हैं ना कभी कभी यूज के सामान जो है, वो मैं तख्त के नीचे ही रख रखी हूँ। और तख्त के नीचे रखने की वजह से क्या है ना, और भी ज़्यादा जाले वाले पड़ गए हैं और जाले पड़ गए हैं और ये लोग कुछ भी चॉकलेट बिस्किट खाते हैं तो नीचे ही गिरा देते हैं, मैं समझा करके और थक चुकी हूँ। तो वही मैं आज सोच रही हूँ कि सारा निकाल करके और फिर अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। रोज़ नहीं कर पाती हूँ, हफ्ते में एक दिन या कभी हो सकता है तो 2 दिन भी मैं कर देती हूँ। तो वही सारा निकाल करके अच्छे से झाड़ू लगाऊँगी अंदर घुस करके, और बहुत ज़्यादा गंदगी होता है। और ये आप देख रहे हैं मैं बांध करके रखी हूँ कपड़े में, साड़ी में, तो इसमें जिससे मैं बैग वैग बनाती हूँ ना वो सारा इसमें सामान पड़ा हुआ है। ये सारा सामान मेरे काम का ही है और ऐसे नहीं है कि इनमें बच्चों का कोई कपड़ा वगैरह है, ये सारा मेरा ही काम का है। जैसे बैग बनाती हूँ मैं, सूट वगैरह सिलती हूँ, तो वही सब का काम है। और उस कट्टे में तो रुई रखा हुआ है भर के, और बढ़िया वाला रुई है। तो मैं सोच रही तकिया बना दूँगी या और कुछ बनाने का काम आ जाएगा, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। ये वीडियो के चक्कर में सारा टाइम इसी में लग जाता है और घर के काम में, और वीडियो पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इस पे भी ऐसे लग रहा है टाइम वेस्ट ही जा रहा है, पता नहीं भगवान जाने। तो ही मैं अंदर घुस के अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी और फिर सारा सामान जो है इसी में फिर से रख दूंगी। डबल बेड की भी बहुत ज़रूरत है, ज़रूरत तो कभी नहीं ख़त्म होगा, ज़रूरत तो काफ़ी चीज़ों का है। तो बस अपने मन को मनाना पड़ता है कि ज़रूरत की चीज़ें ना कभी ज़िंदगी में ख़त्म ही नहीं हो सकती है। और अभी देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है। तो इसमें से ये लोग ना ऐसे डेली कहेंगे पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, तो रबड़ नहीं है। और मैं झाड़ू लगाई जब अंदर से तो कई सारे रबड़ निकले, पेन निकले, 2 पेंसिल निकले, बहुत सारा सामान निकला। तो वही मैं देख देख करके और हाथ में चला चला करके देख रही थी, फिर मैं दी। और अब देखिए घर कितना अच्छा लग रहा है। तो वही मैं सारा अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद पोछा लगाऊंगी। पहले तो कपड़े भिगोऊंगी फिर पोछा लगाऊंगी। पोछा वोछा लगाने का मैं वीडियो नहीं बनाई थी क्या, रोज़ रोज़ मतलब। और पता है जहाँ मैं रहती हूँ, आप लोग जो लोग न्यूज़ देखते होंगे उनको तो पता है, नोएडा में सेक्टर 93 में बॉम्ब ब्लास्ट करके बिल्डिंग गिराया हुआ था। मतलब मुझे पता नहीं था कि बॉम्ब ब्लास्ट करके आज बिल्डिंग गिरने वाला है या कुछ भी, मुझे एकदम अचानक पता चला जब आवाज़ हुआ ना खूब तेज और सब लोग छत पर चले गए देखने। तो मेरा ना कल एकदम मतलब संडे वाले दिन, आज तो मैं मंडे को ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो एकदम सीने में दर्द और घबराहट से दो कल ही से मेरा तबीयत तो ऐसे, मुझे ना पता नहीं क्यों थोड़ा सा भी कुछ ऐसा सुन लेती हूँ तो बहुत जल्दी घबराहट हो जाती है। तो वही हुआ है कल से, अजीब जैसा ही मुझे लग रहा है, पूरा हाथ पैर में दर्द हो गया, कांप रहा था और सीने में भी दर्द शुरू हो गया था। और यहाँ अभी मैं डस्टबिन लेकर के आई हूँ, गंदा था तो वो धोने के लिए, तो बालकनी में कुछ कपड़े पड़े हुए थे जो सूख गए थे, वो भी मैं उठा लूँगी, कल ही के पड़े हुए हैं, एक दिन पहले ही मैं शाम में फैलाई थी। डस्टबिन तो जब भी कूड़ा खाली हो जाता है फेंक करके आते हैं हस्बैंड जी, तो उस दिन मैं धुल ही देती हूँ। तो अभी बीच में एक दिन मैं नहीं धुली थी, ऐसे ही मन नहीं कर रहा था, कभी कभी हो जाता है, तो नहीं धुली थी तो वो ज़्यादा ही गंदा हो गया था। और अभी मैं बाथरूम में ले करके बैठ गई हूँ सारे कपड़े, इन सारे कपड़ों को सर्फ के पानी में भिगो करके छोड़ दूंगी। और उसके बाद अभी मुझे किचन क्लीन करना है, पूरे घर में पोछा लगाना है, तब तक ये अच्छे से फूल जाएंगे, उसके बाद ये सारे कपड़े मैं धुल करके और नहा लूँगी। तो इसी तरीके से यही ऐसे ही कुछ गया संडे का मेरा दिन। और इसके आगे का जो वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और भी मैं बनाई थी मगर वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था जब मैं एडिटिंग करने बैठी तो इसलिए मैं सोची कि 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। तो अभी सारे कपड़े धुल दे रही हूँ, और ये मेरे हाथ के ही बनाए हुए बैग हैं, जो मेरा रेगुलर वीडियो देखते उनको पता नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देख